श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन भी किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही ज्यादा नटखट स्वभाव के थे। हमेशा विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे और वे ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते हैं, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरा मूल मंत्र आता है साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मूल मंत्र आता है कभी हार ना मानना। दोस्तों, कभी भी जीवन में कठिन समय आने पर हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी उनका मन बुरे समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। चौथा मंत्र आता है बहुत ही भली बाती दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने को कोई नहीं जानता। कृष्ण जी ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मूल मंत्र आता है अपने माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा माता ने और राजनंद ने गोकुल में किया था। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर और सम्मान करने में कभी भी कोई कसर ना छोड़ी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।